स्वागत है द न्यूटिकल चैनल पे। मेरा नाम है नताशा सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमारी सबसे पॉपुलर लिस्ट टॉप 5 फोन जिनको आप ले सकते हैं 15,000 से 20,000 रुपए के बजट में इस महीने। ये हमारे टॉप 5 फोन है इस लिस्ट के और मैं आपको इन सारे फोन्स के सारे पॉइंट्स बताऊंगी, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स पे बताऊंगी, सारे नेगेटिव पॉइंट्स पे बताऊंगी, ताकि आप लोग क्लियरली डिसीजन ले सके कि आपके लिए बेस्ट फोन कौन सा है। तो वीडियो को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई सारे डिवाइसेस के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रख के ही फोन खरीदना चाहिए। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले आता है हमारे पास पांचवी पोजीशन पे पोको की तरफ से एक पावरफुल डिवाइस, जो कि ये है हमारा पोको का X3 Pro। सबसे पहले तो इस डिवाइस के अंदर हमें जो Qualcomm Snapdragon का 860 प्रोसेसर मिलता है, उसके अंदर हमें बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस मिल जाती है। मतलब आपको डिवाइस के अंदर गेमिंग करनी हो, ग्राफिक्स बढ़ा के भी गेम खेलनी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिलेगी डिवाइस में। बढ़िया प्रोसेसर के साथ आपको डिवाइस के अंदर UFS 3.1 की स्टोरेज मिल जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है। तो मतलब ओवरऑल डिवाइस को यूज करने में आपको बहुत ही बढ़िया स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे फील होगा। इसके साथ डिवाइस का जो हमारा डिस्प्ले है, हालांकि वो हमारा थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कि आपको LCD डिस्प्ले मिलता है जो कि इतना बढ़िया ब्राइट नहीं है। मतलब अगर आप सनलाइट में खड़े होकर डिवाइस को यूज करते हैं तो उसमें आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, और अगर आप बाकी डिवाइसेस के साथ कंपेयर करते हैं इस बजट के जिसमें हमें AMOLED डिस्प्ले मिल रहा है, तो उससे भी देखने में डिस्प्ले आपको क्वालिटी वाइज इतना बढ़िया नहीं लगेगा। मतलब कलर्स और ब्राइटनेस हमारी थोड़ी कम है। इसके अलावा डिवाइस के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो ऑडियो आउटपुट तो आपको बढ़िया वाला यहाँ पे देखने को मिलेगा। साथ ही अगर मैं बात करूँ बैटरी की, तो आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे मिल जाती है 5160mAh की बैटरी और उसके साथ 33W की फास्ट चार्जिंग। बैटरी हमारी बड़ी है, अप्रोक्सीमेटली आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाता है डिवाइस के अंदर। इसके बाद डिवाइस के अंदर मैं कैमरास की बात करूं, तो कैमरास भी हमारे एवरेज है बजट के हिसाब से। आपको बैक में मिलता है क्वाड कैमरा सेटअप 48MP का, उसके साथ आपको 8 का वाइड एंगल, 2 का डेप्थ और 2 का मैक्रो मिलता है, साथ ही 20MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्स को ओके ओके कह सकते हैं, डिवाइस की हमारी फ्रंट एंड बैक दोनों की ही 48MP की पिक्स में आपको ठीक लगेंगी। इसके अलावा हमारा जो वाइड एंगल उसमें पिक आपकी ठीक आ जाएगी। 2 का जो हमारा मैक्रो है वो तो यूजेबल नहीं रहता, 2 का हमारा जो डेप्थ है उसके अंदर आपको काफी ओके पिक्स यहाँ पे मिल रही है अच्छे एज रिजेक्शन के साथ। इसके अलावा डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाती है प्लास्टिक बॉडी, तो बढ़िया रहेगा कि जो बैक केस मिलता है आपको बॉक्स के अंदर उसको लगा के रखें, क्योंकि इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स काफी ज्यादा आते हैं इसका जो हमारा पैटर्न है उसकी वजह से, तो आपको बार बार इसको क्लीन करना पड़ेगा और स्क्रैचेस से भी आपका डिवाइस बच जाएगा अगर आप कवर लगा के रखते हैं तो। इसके अलावा डिवाइस के डिजाइन में आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है जिससे कि आप इसको एज अ रिमोट कंट्रोल यूज कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो 213 ग्राम का ये हमारा डिवाइस है, थोड़ा हैवी है, मतलब जिनके हाथ थोड़े छोटे हों उनको थोड़ा सा बड़ा भी लगेगा ये डिवाइस, तो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि ये हमारा एक परफॉर्मेंस डिवाइस है जिसके अंदर आपको परफॉर्मेंस तो बहुत ही तगड़ी मिल रही है। मतलब गेमिंग पर्पस के लिए तो डिवाइस अच्छा रहेगा कि आपको सारी गेम्स, हैवी गेम्स आप इसके अंदर चला सकते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो डिस्प्ले आपको क्वालिटी वाइज इतना बढ़िया नहीं मिल रहा है इस बजट के हिसाब से, और कैमरा भी आपको इतने बढ़िया वाले यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहे, तो इन चीजों का बिल्कुल ध्यान रखें अगर आप पोको X3 Pro के लिए जाते हैं। साथ ही इस डिवाइस के अंदर आपको 5G सपोर्ट भी नहीं मिलता, और इसके अलावा इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 19,000 रुपए के प्राइस पे ये डिवाइस आपको मिल जाता है, इसका 6GB 128GB वाला वेरिएंट। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 4th पोजीशन पे Realme की तरफ से एक बढ़िया कैमरे वाला डिवाइस, जो कि है हमारा Realme 8 Pro। सबसे पहले इस डिवाइस की मैं कैमरा की ही बात करती हूँ, हमें बैक में जो क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है उसमें मेन कैमरा है 108MP का, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पिक्स के अंदर काफी अच्छी डिटेलिंग देखने को मिल जाती है। उसके साथ आप अगर AI मोड ऑन करते हैं या HDR मोड ऑन करते हैं तो उसके अंदर आपको पिक्स के अंदर कलर्स भी हमारे अच्छे से एनहेंस्ड हो जाते हैं, जिससे पिक देखने में हमारी काफी बढ़िया नजर आती है, अच्छी डायनामिक रेंज मिलती है आपको इसके पिक्स के अंदर। साथ ही आपको कैमरा सेटअप में इसके वाइड एंगल में मिल जाता है 8MP का, 2 का डेप्थ सेंसर मिलता है, 2 का मैक्रो शॉट मिलता है। 2 का मैक्रो तो हमारा इतना कोई काम का नहीं है, लेकिन डेप्थ में भी आप देख सकते हैं एज डिटेक्शन हमारा अच्छा आता है। सेल्फी कैमरा हमारा 16MP का है, जिसको आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपकी पिक्स जो है वो काफी ठीक आ रही है। मतलब बजट के हिसाब से हम बात करें तो बैक कैमरा तो इस डिवाइस का हमारा काफी अच्छा है, सेल्फी कैमरा भी ओके है।
इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो भी हमारा बजट के हिसाब से देखा जाए तो काफी ठीक है। आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon का 720G प्रोसेसर जो कि आपको काफी ठीक परफॉर्मेंस देगा अगर आपको डिवाइस के अंदर अलग अलग एप्स एक टाइम पे यूज करनी है, मतलब मल्टी एप्स यूज करनी है तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, गेमिंग भी आप इसमें कर सकते हैं। इसके साथ डिवाइस का जो हमारा डिस्प्ले है वो हमारा काफी ब्राइट है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलता है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ। तो डिस्प्ले के अंदर आपको कलर्स और जो ब्राइटनेस है वो काफी कमाल की मिल जाती है, व्यूइंग एंगल्स अच्छे मिल जाते हैं, सनलाइट में भी डिवाइस को यूज करने में डिस्प्ले वाइज आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ ही आपको डिवाइस के अंदर यहाँ पे मिल जाता है सिंगल स्पीकर, साथ में आपको बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो 4500 mAh की बैटरी मिलती है, उसके साथ 50 W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। बैटरी आपको ऑलमोस्ट वन डे का बैटरी बैकअप दे देती है क्योंकि हमारा सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और जो हमारा प्रोसेसर है वो भी हमारा पावर एफिशिएंट है। इसके अलावा जो हमारी चार्जिंग है 50 W की वो आपके डिवाइस को फटाफट से चार्ज कर देगी, मतलब चार्जिंग की तो यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं है। इसके अलावा डिवाइस के अंदर यहाँ पे आपको मिल जाती है प्लास्टिक बॉडी और सैंड पेपर वाली फील आती है, तो कई लोगों को हो सकता है ये चीज देखने में अच्छी ना लगे, मतलब कईयों को होता है ना कि वो सैंड पेपर क्रीपी क्रीपी सा लगता है, तो अगर वो आपको फीलिंग आती है तो ये डिवाइस आपको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो प्लास्टिक बॉडी है और जो ये सैंड पेपर फील है, जो लुक है, उसकी वजह से इसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स नहीं आएंगे तो आपको बार बार ऐसे क्लीन नहीं करना पड़ेगा डिवाइस को। लेकिन प्लास्टिक बॉडी है तो कवर लगा के रखेंगे तो स्क्रैचेस से आपका फोन बच जाएगा। तो ये जो हमारा डिवाइस है इसके अंदर आपको 5G सपोर्ट नहीं मिलता है और इसके अलावा आपको कैमरास बहुत अच्छे मिल जाते हैं, मतलब कैमरा ओरिएंटेड डिवाइस हम इसको कह सकते हैं, जिसके साथ आपको डिस्प्ले भी अच्छा मिल रहा है और एवरेज आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मिल जाती है, बहुत तगड़ी नहीं लेकिन काफी सही आपको परफॉर्मेंस में मिल जाती है। तो ये एक काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है और प्लास्टिक बॉडी में है डिवाइस हमारा। इसका अगर प्राइस की मैं बात करूँ तो 6GB 128GB वाला वेरियंट आपको 18,000 रुपए के प्राइस में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर थर्ड पोजीशन पे एक लेटेस्ट डिवाइस जो कि है आईको की तरफ से Z3 5G। सबसे पहले तो इस डिवाइस के अंदर आपको 5G सपोर्ट मिल जाता है। उसके साथ अगर मैं बात करूं डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको मिल जाता है Qualcomm Snapdragon 768G का प्रोसेसर जो कि हमारी काफी अच्छी परफॉर्मेंस आपको देगा, मतलब कि आप यहाँ पे बड़ी गेम्स खेलनी हो, आपको मल्टीटास्किंग करनी हो, डिवाइसेस के अंदर कोई हैवी एप्स भी चलाने हो तो वो आपको यहाँ पे आराम से चल जाएंगे, डिवाइस की परफॉर्मेंस हमारी काफी अच्छी है। लेकिन डिवाइस का जो हमारा डिस्प्ले है 6.58 इंच का LCD डिस्प्ले वो हमारा इतना ब्राइट इतना बढ़िया नहीं है, मतलब आपको अगर तेज सनलाइट पे यूज करना हो तो वहां पे थोड़ी दिक्कत आती है और अगर आप बाकी डिवाइसेस के साथ कंपेयर करते हैं इस बजट के तो उसमें भी आपको इतनी अच्छी ब्राइटनेस और इतना अच्छा कलर्स नहीं देखने को मिलते हैं। वैसे देखने में मतलब इंडोर में ओके यहाँ पे डिवाइस आपको लगेगा। वैसे डिवाइस के डिस्प्ले में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाता है जिसमें कि आपको काफी स्मूथ यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। साथ ही डिवाइस के अंदर हमें 4400 mAh की बैटरी मिल जाती है 55 W की फास्ट चार्जिंग के साथ। चार्जिंग तो हमारी बहुत ही फास्ट है, डिवाइस को फटाफट से चार्ज कर देगी और डिवाइस भी आपका अप्रोक्सीमेटली एक दिन का बैटरी बैकअप दे ही देता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं डिवाइस के कैमरे के बारे में तो 64 का हमारा ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 64 का मेन कैमरा है, 8 का वाइड एंगल है, 2 का मैक्रो है। आपको इसके सेटअप के अंदर जो हमारा डेप्थ सेंसर होता है वो नहीं मिलता और टेलीफोटो भी नहीं मिलता, मतलब जिन लोगों को DSLR इफेक्ट वाली वो डेप्थ इफेक्ट वाली पिक्स चाहिए वो तो इस फोन में आपको मिसिंग लगेगा क्योंकि इतना बढ़िया यहाँ पे आपको पिक्स नहीं मिल रही है पोर्ट्रेट मोड में। बाकी जो कैमरा है वो हमारा काफी ठीक है, आपको जो 64 की पिक्स मिलती है उसके अंदर आपको काफी ठीक यहाँ पे कलर्स मिल जाते हैं और इसके साथ 16 MP का हमारा सेल्फी कैमरा है, ये भी हमारे ओके पिक्स ले रहा है, मतलब इसके कैमरा को एक्चुअल में मैं इस बजट में एवरेज ही कहूंगी, इससे ऊपर नहीं कहूंगी। लेकिन देखा जाए ओवरऑल तो डिवाइस के अंदर हमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिल जाती है, बस आपको जो डिस्प्ले है और हमारा जो कैमरा है वो इतना बढ़िया नहीं मिल रहा। इसके अलावा डिवाइस के अंदर आपको 5G सपोर्ट में मिल रहा है, साथ ही डिवाइस के अंदर आपको यहाँ पे प्लास्टिक बॉडी मिल रही है और इसका जो प्लास्टिक के अंदर जो बैक में हमारा कलर आ रहा है जो मेरे पास रेनबो शेड में है, ये थोड़ा सा आपको बार बार क्लीन करना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स बहुत जल्दी आ रहे हैं और थोड़ी सी उससे डल लुक आ रही है डिवाइस की, तो इस चीज का भी बिल्कुल ध्यान रखें। कवर लगा के रखेंगे तो आपका डिवाइस बच जाएगा स्क्रैचेस से भी और फिंगरप्रिंट्स भी आपको क्लीन नहीं करने पड़ेंगे क्योंकि प्लास्टिक बॉडी पे जल्दी आते हैं। इसके अलावा डिवाइस हमारा 185 grams का है तो आप इजिली एक हाथ से होल्ड करके यूज कर सकते हैं, उस पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 6GB 128GB वाला वेरिएंट आपको 20,000 रुपए के प्राइस में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर सेकंड पोजीशन पे रियलमी की तरफ से एक काफी कमाल का डिवाइस जो कि है हमारा रियलमी का X7।
सबसे पहले तो एक जरूरी चीज कि इस डिवाइस के अंदर आपको डुअल 5G सपोर्ट मिल जाता है। मतलब 5G सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो आजकल बहुत लोगों के लिए जरूरी हो गया है, तो इसीलिए मैं सबसे पहले ही मेंशन कर रही हूं। इसके साथ आगे अगर मैं बात करूं डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको Dimensity 800U का प्रोसेसर मिल जाता है डिवाइस के अंदर, जो कि वो काफी ठीक परफॉर्मेंस दे देता है। यहाँ पे आपको गेम्स खेलनी हो, आपको मल्टीटास्किंग करनी हो, आप अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं डिवाइस को। इसके साथ एमोलेड डिस्प्ले हमारा फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ 6.43 इंच, मतलब गेमिंग को और अच्छे लेवल से एंजॉय करने के लिए आपको एक्चुअल में डिस्प्ले जो होता है ना वो बढ़िया ही चाहिए होता है, जिसके अंदर बढ़िया कलर्स मिले हमें, जिसमें बढ़िया ब्राइटनेस मिले, और इसके अंदर आपको अच्छी परफॉर्मेंस भी मिल रही है और डिस्प्ले भी अच्छा मिल रहा है। तो आप मूवीज देखो चाहे वीडियोस देखो वो भी अच्छा रहेगा, जो गेमर्स हैं जो गेमिंग करेंगे उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये दोनों चीजों का ध्यान यहाँ पे पूरा रखा गया है। साथ ही डिवाइस के अंदर है हमारा सिंगल स्पीकर, और उसके साथ बैटरी की अगर मैं बात करूं तो 4310 mAh की बैटरी है और 50W की फास्ट चार्जिंग है। चार्जिंग तो हमारी बहुत ही फास्ट है, मतलब फटाफट से डिवाइस आपका यहाँ पे चार्ज हो जाना है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी बैटरी है वो थोड़ी छोटी है, तो अगर आप थोड़ा ज्यादा हैवी यूज करते हैं, नॉर्मल से हैवी की तरफ यूज करते हैं, तो डिवाइस को आपको दोबारा चार्ज करना पड़ जाएगा। चार्जिंग फास्ट है लेकिन थोड़ी सी मेरे हिसाब से बैटरी बढ़ा देते तो बेटर होता। इसके अलावा इस डिवाइस के अंदर भी हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, लेकिन बैक साइड में हमारे पास यहाँ पे मैट फिनिश आ रही है, और डिवाइस एक्चुअल में देखने में हमारा काफी अच्छा नजर आता है ये। इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स हमारे नजर नहीं आते इतनी आसानी से, अगर कभी कभी बिना कवर के भी यूज करो। हालांकि बिना कवर के आप यूज मत करना, क्योंकि स्क्रैचेस पड़ेंगे तो डिवाइस की लुक जो है वो पूरी चली जाती है प्लास्टिक बॉडी होने की वजह से। लेकिन डिवाइस हमारा काफी लाइट वेट है, आप एक हाथ से इसको इजिली होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा देर के लिए भी एक हाथ से होल्ड करना हो तो प्रॉब्लम की बात नहीं है, और आपको स्लिम भी लगेगा डिवाइस। इसके साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है डिवाइस के अंदर, जो कि हमारा बढ़िया लगता है, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक फील आती है डिवाइस के अंदर आपको यूज करने में। इसके साथ डिवाइस के कैमरास पर नजर डाल लेते हैं, 64+8+2 का हमारा ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और 16 का हमारा सेल्फी कैमरा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 64 मेगापिक्सल के अंदर आपको काफी अच्छी यहाँ पे कलर्स और डिटेलिंग देखने को मिल रही है। इमेज प्रोसेसिंग हमारे इस कैमरा की अच्छी निकल के आती है। वाइड एंगल के अंदर आप अपनी बढ़िया पिक्स ले सकते हैं, और उसके साथ आपको यहाँ पे जो हमारा पोर्ट्रेट मोड मिलता है उसके अंदर भी एज डिटेक्शन हमारा काफी क्रिस्प मिल जाता है। साथ ही आपको यहाँ पे सेल्फी कैमरा जो है वो ही हमारा 16 मेगापिक्सल वाला है, जिसके अंदर आपको देख सकते हैं कि मोड्स मिल जाते हैं, ब्यूटी फिल्टर्स मिल जाते हैं, तो आप अपने काफी अच्छे पिक्स ले सकते हैं। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये हमारा काफी अच्छा कॉम्बिनेशन है, परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी मिल रही है, आपको डिस्प्ले काफी अच्छा मिल रहा है, आपको डिवाइस के अंदर कैमरास भी अच्छे मिल रहे हैं, बस हमारी जो बैटरी है वो हमारी थोड़ी सी छोटी है, उसके अलावा चार्जिंग भी फास्ट है और लुक भी हमारी काफी ठीक नजर आ रही है। डिवाइस के प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 20,000 रुपए के प्राइस में मिल जाएगा इसका 6GB 128GB वेरियंट, और अच्छी बात यह है कि 5G सपोर्ट भी है। सो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे हमारा कौन सा डिवाइस आएगा। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा एक ही है, रेडमी का Note 10 Pro Max। सबसे पहले तो डिवाइस के अंदर फीचर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं एक मेजर कमी की बात कर लेती हूं, क्योंकि वो जो है ज्यादा जरूरी है आपके लिए जानना। इस डिवाइस के अंदर हमारा जो MIUI 12 मिल रहा है उसके अंदर कुछ बग्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से डिवाइस में आपको कुछ प्रॉब्लम्स फील होंगी कि बार बार कुछ लैग कर रहा है, हैंग कर रहा है, और ये प्रॉब्लम्स एक्चुअल में बहुत लोगों को आ रही है। ये Xiaomi कब ठीक करेगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है वो हमें अभी नहीं पता, अभी तक तो ठीक नहीं हुई है। मैंने इसके सारे रीसेंट अपडेट्स भी कर लिए हैं, उसके बाद भी मैं डिवाइस को चेक करने के बाद ही बताती हूँ कि आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। ओवरऑल तो डिवाइस ये हमारा बेस्ट है, इसके अंदर जो हमें फीचर्स मिलते हैं, लेकिन जो बग्स आ रहे हैं उसकी वजह से ये इरिटेटिंग भी हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि बग्स आपके कभी कभी आ रहे हैं, हम देखा जाए तो पूरा दिन फोन को यूज करते हैं, सब लोगों के हाथ में ही होता है पूरा दिन फोन, और अगर बार बार कोई इरिटेटिंग आपको चीजें दिख रही हो, जैसे कि अगर बार बार हैंग कर रहा हो, एप्स हैंग कर रहे हो, या फिर कुछ और पॉपअप हो रहा हो, तो उस वजह से देखा जाए तो आप का एक्सपीरियंस काफी बुरा हो सकता है। मतलब कुछ लोग तो इरिटेट होकर फोन फेंक ही देते हैं गुस्से में आके कि क्या परेशान कर रही जा रहा है फोन। तो मैं उस हिसाब से कह रही हूँ, अगर आप इन बग्स को झेल सकते हैं तभी इस फोन के लिए जाइएगा, वरना आप इनमें से किसी और फोन के लिए जाएं। वैसे तो ये डिवाइस हमारा बढ़िया है अगर ये प्रॉब्लम Xiaomi ठीक कर देता है तो। सबसे पहले हम डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले है फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ।
बहुत ही बढ़िया ब्राइटनेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, बहुत ही बढ़िया कलर्स देखने को मिलते हैं। और मूवीज वीडियोस देखो आप या फिर आप इसके अंदर गेम्स खेलो या फिर सनलाइट में डिवाइस के डिस्प्ले को यूज करो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं डिस्प्ले के अंदर। इसके साथ आपको जो प्रोसेसर मिलता है वो है हमारा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 732G, जिसके अंदर आपको काफी ठीक परफॉर्मेंस यहाँ पे मिल जाती है। हमारी गेमिंग सीरीज का प्रोसेसर है, आप देख सकते हैं स्पॉट हमारी बढ़िया चल रही है, इसके अंदर परफॉर्मेंस वाइज डिवाइस हमारा अच्छा है। साथ ही 5020mAh की बैटरी है, 33W की फास्ट चार्जिंग है। आपको बैटरी जो है वो वन डे का बैटरी बैकअप तो आराम से दे ही देगी, साथ ही आपको चार्जिंग भी इसके अंदर काफी ठीक मिल जाती है। इसके साथ अगर मैं बात करूं कैमरास के बारे में तो 108MP का आपको यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जो कि हमारे काफी अच्छे पिक्स लेता है। डिटेलिंग अच्छी मिलती है, डायनेमिक रेंज अच्छी मिलती है, साथ ही 8 का वाइड एंगल है, 5 का हमारा टेली एंड मैक्रो का कॉम्बिनेशन है और 2 का हमारा है डेप्थ सेंसर। पूरा कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है कैमरास में और अलग अलग मोड्स में आप बढ़िया पिक्स यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। साथ ही 16MP का हमारा सेल्फी कैमरा है, उसके अंदर भी पिक्स आप देख सकते हैं हमारी काफी ठीक आती है, इमेज प्रोसेसिंग हमारी ओके है। इसके साथ डिवाइस के अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो ऑडियो आउटपुट भी आपको बढ़िया वाला यहाँ पे सुनने को मिलेगा। साथ ही आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, तो एज अ रिमोट कंट्रोल भी आप इस डिवाइस को यूज कर सकते हैं। और इसके साथ आपको यहाँ पे प्रीमियम ग्लास बॉडी मिलती है, मतलब इस बजट के अंदर हम देखें तो बहुत ही प्रीमियम डिवाइस है। अगर आपने हाथ में होल्ड करा हो तो आपको पता चलेगा कि आपने एक कॉस्टली डिवाइस पकड़ा हुआ है। इस डिवाइस के प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 6GB 128GB वेरियंट आपको 20,000 रुपए के प्राइस में मिल जाएगा। फीचर्स वाइज तो डिवाइस हमारा काफी बढ़िया है, लेकिन जो दिक्कत आ रही थी वो भी मैंने आपको बता दी है, ताकि आप डिसीजन ले सकें कि आपको इस फोन के लिए जाना है या नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो प्रॉब्लम है, जो बग्स हैं, वो कब फिक्स होंगे कुछ नहीं पता, होते या नहीं होते कुछ नहीं पता, हो जाएंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। सो अभी तो ये प्रॉब्लम है इस डिवाइस में। सो मैंने आपको सारे फोन्स के बारे में बता दिया है, सारे पॉजिटिव पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स। अब आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस फोन के लिए जाना चाहिए। मतलब एक्चुअल में ये है कि सारे फोन परफेक्ट नहीं होते, हर फोन के अंदर ये होता है कि कुछ तो कुछ एक पॉइंट नेगेटिव होता ही है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जो पॉइंट नेगेटिव है वो आपको कितना बुरा लग रहा है, मतलब वो आपके लिए कितना जरूरी है। अगर वो ज्यादा जरूरी नहीं है तो उस पॉइंट को छोड़ो और आप वो फोन ले लो। सो ये थी मेरी लिस्ट इस महीने की 20,000 रुपए के बजट में। आई होप लिस्ट आपके लिए यूजफुल रही होगी, बढ़िया रही होगी। कैसी रही वो जरूर कमेंट करके बताइएगा, साथ ही चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि इस बजट की, इस महीने की बाकी की लिस्टें भी आपको मिलती रहेंगी।